तो अभी ये ऑडिटोरियम में जो नौका विहार पे बना हुआ है, वो नौका विहार के मेन रोड से साइड में है, तो ज़्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। पर जैसा आपको हमने कल बताया था कि कुछ मेमर ब्लॉगर लोग आ जाते हैं, तो आइए हम इसका थोड़ा ओवरव्यू दिखा देते हैं। अभी गेट नंबर 4 पे हम, तो आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं इसका सब कुछ। ये इसके अंदर क्या है कि एक बड़ा सा हॉल है और कुर्सियाँ लगी हुई, मतलब ऑडिटोरियम टाइप, मतलब एक स्टेज है, कुर्सी है, जैसे कोई प्रोग्राम किसी को कुछ करना हो तो वो कर सकता है। अब किसी को तो नहीं, कोई सरकारी कार्यक्रम हुआ, कुछ भी हुआ। अच्छा, ABPP का भी हुआ था, जैसे रजत भैया बताएं, तो ABPP भी इनडायरेक्टली है कनेक्टेड। वो गेट नंबर 3 है, 4 नंबर ये। अब इसका फ्रंट है और इसका नाम है योगी राज बाबा गंभीर नाथ, और भी बड़ा नाम है। ये देखिए, इसको पूरा हम आपको चारों तरफ से दिखा रहे हैं। ये देखिए, बहुत ही शानदार बना हुआ है। अभी कुछ दिन पहले इसमें एक प्रोग्राम भी हुआ था ABPP का, योगी राज बाबा गंभीर नाथ प्रोच गृह एवं प्रेक्षागृह, हाँ, सांस्कृतिक केंद्र गोरखपुर। तो देखिए, बहुत ही खूबसूरत है और बढ़िया है, तो ये सोचे हमने आपको दिखा दे, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो बस इसे साइड से देखकर चले जाते हैं। बहुत लोग होंगे कि जो देखे होंगे, पर जो नहीं देखे हैं उनके लिए है। तो आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है ये। और यहाँ पे जो अपने बाइकर्स हैं, ये देखिए, अब दूसरे साइड ला रहे हैं। पहले हम इसके जस्ट अपोजिट उधर थे, अब इस साइड से आपको एक एक एंगल से दिखा देंगे। तो ये है, और क्या कहते हैं, हाँ, पहले ये जो बाइकर्स हैं, जो गैंग हैं, बाइकर्स गैंग गोरखपुर को, ये यहाँ आते रहते हैं फ़ोटो खिंचाने के लिए। तो बस यही था। और यहाँ पे आर्यवर्त है, बताइए, मतलब आर्यवर्त का देखिए, मतलब चांदी है ये, ऐसे जगह पे एक बनवा लेना चाहिए। और वहाँ पे है आगे सर्किट हाउस, देखिए वो सर्किट हाउस भी आ रहा है। ये सर्किट हाउस भी चल ही रहा है, देखिए, मतलब ये रोड अब सीधे सर्किट हाउस वाले से जुड़ जाएगा। कोई भी सरकारी नेता आता है यहाँ, कोई भी नेता, सेंट्रल वेंट्रल लेवल का नेता, यहीं पे उनके रहने खाने का व्यवस्था होता है, एकदम VIP रूम अलॉट रहता है। ये देखिए सर्किट हाउस, और ये आ गया अपना दिग्विजयनाथ पार्क। और दिग्विजयनाथ पार्क से ही आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, वो अपना नौका विहार वाला मेन रोड,